नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज अक्षय एंड आई वेलकम यू टू माय गिटार मेथड्स। जी हाँ, आज माय गिटार मेथड्स में हम आपके लिए लेके आए हैं एक एवरग्रीन गाना। एवरग्रीन मतलब ऐसा गाना जो हमेशा हरा रहता है। नहीं, इसका मतलब ऐसा गाना जिसकी हरियाली कभी ख़त्म नहीं होती, मतलब ऐसा गाना जो कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होने देगा कि ये गाना बहुत पुराना हो चुका है। तो ऐसे गाने कौन से होते हैं ये हम सभी जानते हैं, जो हम आज से 20 साल पहले के जो गाने सुनते हैं ना, 20-25 साल पहले के गाने, नहीं इवन उससे भी पहले के गाने, आज से 30-35 साल पुराने जो गाने थे, ज़्यादातर वही गाने एवरग्रीन की श्रेणी में रखे जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मे बी ये इसलिए भी होता होगा कि आजकल के साउंड्स, क्योंकि हम इतने यूज टू हो चुके हैं, उसकी वजह से हमें ऐसा लगता होगा। बाकी ये भी हो सकता है कि आज से 20-25 साल बाद जब और कोई गिटार लेसन बना रहा होगा तो वो हमारे गिटार लेसन का भी रेफरेंस दे रहा होगा कि माई गिटार मेथड्स के अनुसार ये कॉर्ड्स इस गाने में यूज़ किए गए हैं, और हो सकता है तब ये गाने एवरग्रीन से और भी पुरानी श्रेणी में जा चुके हैं। चलिए, जैसा भी है, आज हम स्टार्ट करते हैं इस गाने के साथ। इस गाने को बजाने के लिए टेक्निकली आपको कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है ओरिजिनल स्केल से, क्योंकि ओरिजिनल स्केल सी मेजर स्केल है और काफ़ी ईजी कॉर्ड्स, ओपन कॉर्ड्स में हम लोग गाना प्ले करने वाले हैं। इसमें मैंने ईजी करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पुश नहीं किया है, जितना कोशिश की है ओरिजिनल गाने के साथ हमने सही कॉर्ड्स बजाने की ट्राई किया है, तो आप भी कोशिश कीजिएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ऐसा करना बहुत गलत बात है। चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। तो अब हम सीखने वाले हैं कॉर्ड्स इस गाने के। तो ये गाना जो है सी मेजर स्केल में है, फिर भी एक जो कॉर्ड है वो ऑफ कॉर्ड है इसमें, क्योंकि इस गाने की मेलोडी में एफ शार्प नोट का यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से डी माइनर की जगह डी मेजर कॉर्ड इस गाने में हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सी मेजर, जो कि हमारा टॉनिक कॉर्ड है इस गाने के लिए। आप सभी लोगों को पता है सी मेजर कैसे प्ले किया जाता है, 5 स्ट्रिंग्स को ध्यान में रखना है, 6 स्ट्रिंग म्यूट रखना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी डी मेजर कॉर्ड, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और इन फिंगर्स का यूज करते हुए प्ले किया जाता है। नीचे की 4 स्ट्रिंग्स आप में इसमें प्ले करेंगे। नेक्स्ट कॉर्ड इज जी ओपन कॉर्ड, जो कुछ इस तरीके से इन फिंगर्स का यूज करते हुए लगाया जाता है। आप चाहें तो लिटिल फिंगर की जगह रिंग फिंगर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉर्ड इज ई माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड इज ए माइनर कॉर्ड। और इस गाने का एकमात्र लीक से हटके कॉर्ड अगर कहें, जो मेजर और माइनर के बंधनों को तोड़ के बाहर जा रहा है, तो वो है D7 कॉर्ड, जो कुछ इस तरीके से प्ले किया जाता है। अब D7 को D7 क्यों कहा जाता है, ये टेक्निकली डी डोमिनेंट 7 जिसका पूरा नाम होगा, और अगर मैं थोड़ी सी थ्योरी बोलूं आपके लिए तो ये हुआ 1-3-5-7, मतलब डी मेजर स्केल का पहला, तीसरा, पांचवा और सातवें नोट को आधा स्टेप डाउन कर दिया है, फ्लैट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डी डोमिनेंट 7th कॉर्ड। ये गाने में एक जगह यूज हुआ है, तो आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए एंड आई होप यू विल बी एबल टू प्ले इट। बस बाकी कोई कॉर्ड नहीं है, प्रैक्टिस करो, ऐश करो और अच्छे से बजाओ। अब हम सीखते हैं इस गाने का स्ट्रमिंग। तो हालांकि पता नहीं मैं कब ये बोलते बोलते थकूंगा, बट फिर भी इस गाने का स्ट्रमिंग पैटर्न भी वही स्ट्रमिंग पैटर्न है जो हमने कई सैकड़ों गानों में यूज़ किया है, और टाइम सिग्नेचर 4/4 है। तो आप जाते हैं, मेरे लेफ्ट में अब आपको दिखाई देगा लिखा हुआ डाउन स्पेस डाउन अप स्पेस अप डाउन अप। तो अगर साथ में बोलेंगे बिना रुके मल्टीपल टाइम्स, डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप। ठीक है, ये बहुत कॉमन स्ट्रमिंग पैटर्न है और बहुत इजीली गानों में फिट हो जाता है, तो इसकी वजह से हम ये यूज़ करते हैं। ज़बरदस्ती का मैं कोई एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी दिखा के चीज़ें मुश्किल नहीं करना चाहता, इसलिए आई डोंट चेंज एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो इसको स्ट्रमिंग को प्रैक्टिस कीजिए, आई थिंक यू विल बी एबल टू प्ले इट। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक है नहीं, अगर आप पहली बार भी कोई लेसन देख रहे हैं तो आई एम टेलिंग यू अगेन, जो क्लोज लुक है उसको देखिए और फिर से करिए डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन। Yeah.
हर शाम आंखों पर तेरा आंचल लहराए। हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करके थोड़ी सी हमारी भी हेल्प कर दीजिए। बाकी कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हमारे बाकी वीडियोज़ देखना ना भूलिए, क्योंकि हो सकता है आपकी फेवरेट सॉन्ग्स की लिस्ट यहीं